इबादत असल में इसी का नाम है, सरासर अपनी फकीरी। हम जो नमाजें पढ़ते हैं, क्या है नमाज? ये अल्लाह के सामने सर झुका करके हम किस बात का एतराफ़ कर रहे होते हैं? अपनी फकीरी का, अपनी लाचारी और बेबसी का ही तो एतराफ़ कर रहे हैं। ये नमाजों में हम सर झुका करके अपनी लाचारी और बेबसी का तो एतराफ़ कर रहे हैं। ये दुआओं में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बार बार जो अपनी कमजोरी का एतराफ़ करते हैं, अल्लाह को यही तो महबूब है कि हम कह रहे हैं अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तू कायनात का बनाने वाला, तू रहमान और रहीम, तू दुनिया का चलाने वाला, कयामत के दिन का मालिक। हम क्या हैं? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करने वाले, तुझी से मदद तलब करने वाले। ये दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे, तो इसमें इन दुआओं में सारा सब कुछ खुलासा दुआओं का क्या होता था कि अल्लाह हम कुछ नहीं हैं, सारी ताकतें तेरी हैं, तेरी रहमत के, तेरी इनायत के, तेरी अता के मोहताज और बेबस हैं, एक एक लम्हे के लिए, एक एक सांस के लिए। हाँ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वास्तकदिरुका बिकुदरतिका वास्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फइन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला अअलमु। अल्लाह तेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं, तू जानता है मैं नहीं जानता। اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरे बंदे की औलाद हूँ, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी कमजोरी का, अपनी लाचारी का, अपनी बेबसी का इतराफ है। अल्लाह को यही पसंद है, इसी का नाम इबादत है। सारी इबादतें इसी से मिलकर बनती है कि बंदा अपनी बेबसी का इतराफ करे, अल्लाह की अजमत का ऐलान करे। सारी इबादतें सजदा वजीलिल्लज़ी खलक़हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुका करके बंदा कहता है कि ये चेहरा तेरे सामने झुकता है जिसको तूने पैदा किया है।